हम उपलब्ध हैं कृषि से जुड़ी एक और शानदार वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो पर हम आपको बताएंगे गेहूं की फसल पर खरपतवार की रोकथाम करने के लिए शानदार खरपतवार नाशक का कॉम्बिनेशन। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर चैनल, मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो से जो आपको जानकारी मिलेगी, जो आपको ज्ञानवर्धक नॉलेज मिलेगा, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। किसान भाइयों के पिछले काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि आप गेहूं के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने कुछ टाइम पहले ही गेहूं की A to Z उन्नत तरीके से खेती की जाने वाली गेहूं की संपूर्ण जानकारी पहले से चैनल पर उपलब्ध है। आज की इस वीडियो पर हम आपको बताने वाले हैं गेहूं की फसल पर खरपतवार नाशक का कंट्रोल करने के लिए शानदार कॉम्बिनेशन। आज की वीडियो में बताएंगे गेहूं की फसल पर चौड़ी पत्ती के खरपतवार हों और सकड़ी पत्ती के खरपतवार हों, दोनों को रोकथाम करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल 1% प्लस क्लोडीनोफॉप्रोपरजाइल 15% का जो कॉम्बिनेशन है जो कि पाउडर फॉर्म में आता है। हम आपको किसान भाइयों बता दें कि क्लोडीनोफॉप्रोपरजाइल मुख्य रूप से घास जाति के खरपतवार नाशक को, गुल्ली डंडा को और जंगली चौलाई को यह रोकथाम करता है, जबकि मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल चौड़ी पत्ती के खरपतवार नाशक को यह रोकथाम करता है। यह दो टेक्निकल होने के कारण हमारी गेहूं की फसल पर चौड़ी पत्ती के खरपतवार और सकड़ी पत्ती के खरपतवार को यह आसानी से कंट्रोल कर लेता है। हम आपको बता दें कि यह टेक्निकल मुख्य रूप से UPL कंपनी की वेस्टा खरपतवार नाशक पर आपको यही टेक्निकल्स मिल जाता है। इसका जो डोज जाता है केवल गेहूं की फसल पर आपको स्प्रे करना है 160 ग्राम प्रति एकड़ पूरे 200 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना है। हम एक बार और रिपीट कर रहे हैं, प्रति एकड़ पहले सिंचाई कर लीजिए 160 ग्राम प्रति एकड़ पूरे 200 लीटर पानी पर मिक्स करके स्प्रे करना है प्रति एकड़ की दर से। व्यापारिक नाम यही टेक्निकल आपको UPL कंपनी की वेस्टा खरपतवार नाशक पर मिल जाता है। गेहूं बुआई से 35 से 40 दिनों पर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप जैसे ही गेहूं की फसल पर खरपतवार 3 से 4 पत्ती के होते हैं तब आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन आप इसको कीटनाशक दवाइयों के साथ मिलाकर स्प्रे ना करें। पहले आप अनिवार्य रूप से सिंचाई कर लीजिए, यानी पहले आपको सिंचाई करना है, फिर उसके बाद खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहिए। यदि जब तेज हवाएं चल रही हों तब आप स्प्रे ना करें। किसी भी खरपतवार नाशक को स्प्रे करने से फसल को झटका आता है, फसल वापस से हरी भरी हो जाए, तो उसके लिए ह्यूमिक एसिड ग्रेन्यूल्स फॉर्म वाला और इफको कंपनी की सागरिका का आप प्रयोग कर सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। जो UPL कंपनी की वेस्टा खरपतवार नाशक आती है यह चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के खरपतवार को रोकथाम करती है। इसका जो प्राइस है मार्केट में 160 ग्राम का पैक लगभग 400-500 रुपये के समथिंग मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि आप UPL कंपनी की वेस्टा खरपतवार नाशक को ही लें, बल्कि जिस कंपनी पर आपको मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल और क्लोडीनोफॉप्रोपरजाइल का कॉम्बिनेशन मिले आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें। धन्यवाद।